मेजर पुरी ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा ये समाज कानून और व्यवस्था में टिका हुआ है और ऐसे समाज में एक व्यक्ति के विरोध और विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं, बिल्कुल कोई स्थान नहीं। कानून ने, समाज ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए बना रखे हैं रास्ते, मीलों लंबे रास्ते। वो रास्ते, उन रास्तों पर चलना शुरू तो किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वो रास्ते कहीं पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते। वो रास्ते कहीं भी नहीं पहुंचते। विरोध नाटक का कोई अंतिम अंक या लास्ट एक्ट नहीं है कि जिस तक पहुंचने के लिए प्रतीक्षा की जाए। शक्तिशाली व्यक्ति का विरोध राजनीतिक विरोध कहलाता है, जो उसे एक ही छलांग में पहुंचा देता है सत्ता के पास रखी कुर्सी पर। और कमजोर व्यक्ति का विरोध, कमजोर व्यक्ति का विरोध विरोध नहीं विद्रोह कहलाता है, जो उसे एक ही छलांग में पहुंचा देता है फांसी के तख्ते पर। जब जब छोटे छोटे विरोधों को ठुकराया गया, अनदेखा अनसुना किया गया, तब तक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, प्राण घातक विस्फोट। हमारे कानून ने, संविधान ने सबको बराबर का दर्जा, बराबर का अधिकार दिया है, लेकिन बड़े आदमी ने छोटे आदमी को और ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को कभी भी बराबर का अधिकार नहीं दिया है। जब तक समाज में ये जाति भेद रहेगा, ऊंच नीच को तराजू पर तोलेगा, तब तक इसकी आयु कभी बड़ी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। अरे बराबर का दर्जा तो छोड़िए, हम सोचने के स्तर पर भी छोटों को बराबर का अधिकार नहीं देते। कोई हमें आंख उठाकर देखे यह भी अधिकार हम उसको नहीं देते। कारण फ्यूडल टेंडेंसीज। हमारे सरकारी वकील ने ठीक कहा कि सवार रामचंद्र को मृत्यु की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने देश की रक्षा की शपथ खाते हुए कहा था और उसने अफसर की बच्ची की गंदगी उठाने से इनकार कर दिया। सवार रामचंद्र को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने देश की रक्षा की शपथ खाते हुए कहा था कि मैं देश की रक्षा करूंगा और उसने हराम के पिल्ले जैसी गंदी गाली सुनने से इनकार कर दिया। इसीलिए उसे आर्मी एक्ट 69 के तहत और इंडियन पिनल एक्ट 302 के तहत फांसी की सजा मिलनी चाहिए, बार बार उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए।